लॉलीपॉप की बात करता है, अभी अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है, अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दिए, और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए, ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए, मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है, तो आप तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितेंद्र मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है, 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है, तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे न, अब कब? अब गुजरात को और दीजिएगा, किसको दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं, तो भैया आप विशेष राज की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए, नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप खत्म करिए भैया, इसके इसका कोई मतलब